गदर एक प्रेम कथा फिल्म नहीं, एक इमोशन है सभी देशवासियों के लिए। और ये इमोशन जब और बाहर निकल कर आए जब फिल्म में वो वाला सीन दिखाया गया जब लाशों के ढेर और खून से लथपथ ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची थी, जिसे देखकर हर कोई बिलख पड़ा था। ये सीन इस कदर इमोशन के साथ फिल्माया गया था कि ये रियल लग रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन वाले इस सीन को कैसे फिल्माया गया था? क्योंकि जिस वक्त गदर एक प्रेम कथा बनी थी उस वक्त स्टीम इंजन बनना तो क्या, वो चलते भी नहीं थे। ऐसे में फिर कदर के लिए स्टीम इंजन कहाँ से लाया गया था और इतनी सारी भीड़ कैसे जमा की गई थी, बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी ये सारी रोचक बातें। पर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गदर के ट्रेन वाले सीन को असली अमृतसर वाले स्टेशन पर शूट किया गया था, लेकिन पूरे स्टेशन को एकदम 40 के दशक का फील दे दिया गया था। सभी पोस्टर और होर्डिंग हटाकर 40 के दशक की ही चीजें लगा दी गई थी और उसी तरह से बदलाव कर दिया गया था। इस सीन के लिए दिल्ली रेलवे म्यूजियम से एक स्टीम इंजन उधार लिया गया था जिसका नाम अकबर था। इस स्टीम इंजन को अमृतसर रेलवे स्टेशन ले जाया गया, वहीं नई ट्रेन के पुराने डिब्बे लगाकर उन्हें मिट्टी जैसा रंग से पोता गया ताकि वो उसी दौर की ट्रेनें लगे। इसी ट्रेन में लाशों से भरा हुआ वो सीन शूट किया गया। रेलवे स्टेशन वाले उस सीन के लिए सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि 40 के उस दशक की और भी चीजें और माहौल चाहिए था। खूब भीड़ चाहिए थी जो कुर्ता पजामा में हो, पर मेकर्स इतनी भीड़ कहां से लाते। ऐसे में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी कुर्ता पजामा में नजर आएगा उसे फिल्म में शामिल कर लिया जाएगा। फिर तो हजारों की भीड़ उमड़ आई जो कुर्ता पजामा में थी और इस तरह गदर के उस अहम सीन के लिए भारी भीड़ मिल गई। इस सीन ने तब हर किसी को भावुक कर दिया था। जिन लोगों ने उस मंजर को देखा था जब लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर आई थी, उनकी आंखों में आंसू बह निकले थे। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सिख थे जो प्लेटफॉर्म की कुर्सी में अपना सिर मार रहे थे। अनिल शर्मा ने जब उनसे कहा कि शूट खत्म हो गया तो उस शख्स ने अपना मुंह ऊपर किया और रोते हुए बोला कि ऐसा मंजर उसने 50 साल पहले देखा था, तब वो 10 साल का था, और अब जब वही सब एक बार फिर आंखों के सामने हुआ तो सारे जख्म हरे हो गए थे। तो दोस्तों, क्या आपको भी रोना आया था इस सीन को देखकर? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।